ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रात्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, हमारे सबके घर में होने वाला एक वृक्ष तुलसी, उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हिंदू मान्यताओं में बताया गया है कि हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चांद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। ये प्रत्यक्ष भगवान, प्रत्यक्ष देव की तुलना में हम तुलसी माता के लिए मानते हैं। जल में तुलसी दल डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान करने के समान पवित्र होने जैसा है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं यह वास्तु दोष भी दूर करने में सक्षम है। प्रतिदिन तुलसी का पूजन करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहां सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है, धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। अतः हमें विशेष तौर पर प्रतिदिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी का पूजन भगवान विष्णु का पूजन है। भगवान विष्णु को लगाने वाले भोग में बिना तुलसी के उनका भोग स्वीकार्य नहीं होता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो घर का कलह और अशांति दूर होती है। घर परिवार पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं प्रतिदिन दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। दही के साथ तुलसी का सेवन करने से कई प्रकार के आयुर्वेदिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे दिन भर कार्य करने में आपका मन लगा रहता है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, और आपका शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। तुलसी का सेवन करने से आपको और हमें आयुर्वेदिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे दिन भर कार्य में मन लगा रहता है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, और शरीर में हमेशा ऊर्जावान बना रहता है, चुस्ती फुस्ती बनी रहती है। इसके अलावा आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है। इसलिए तुलसी को खाली एक पौधे की तुलना में ना लें, तुलसी को प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में माने, और तुलसी का सेवन करने वाले से यम के दूत भी बहुत दूर रहते हैं। इसलिए आप सभी तुलसी का सेवन अवश्य करें और अपने अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, उस पर नित्य प्रति जल दान करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। तुलसी महारानी की जय। ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपको किसी नई औषधि के गुण के बारे में।